भोपाल के सोमवारा में एक दुकान है जिसका नाम पीतल नगरी है। यहाँ पर केवल पीतल का सामान मिलता है। यह दुकान 31 साल पुरानी है और यहाँ पर आपको हर प्रकार का पीतल का सामान मिल जाएगा। मुख्य रूप से अगर किसी मंदिर का निर्माण होता है तो वहाँ पर पीतल का सामान प्रयोग होता है, जैसे कि पीतल के गेट, पीतल का मुकुट, पीतल की मूर्तियाँ इत्यादि मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के पीतल का सामान खरीदना हो, भगवान की मूर्तियाँ लेनी हो, तो ये इस दुकान से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर पीतल का सामान 100 रुपये से शुरू होता है और सामान के हिसाब से बाकी चीज़ों के मूल्य निर्धारित हैं। यहाँ पर भगवान की मूर्ति से लेकर झूले, खम्भे, मंदिर और उसके दरवाजे भी मिलते हैं। यह दुकान पीतल के सामान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस दुकान में मंदिर से संबंधित हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए यहाँ के मालिक से बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ पर पीतल की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और उनका क्या मूल्य है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अमर ताम्रकार है। मेरी शॉप पीतल नगरी सोमवारा भोपाल में स्थित है। मेरे यहाँ मंदिरों से रिलेटेड सभी तरह के काम किए जाते हैं, जैसे दरवाजा हुआ, तोरण हुई, खम्भे हुए और मंदिर के शिखर कलश हुए, झूले हुए। इस तरह का सभी काम मेरे यहाँ ऑर्डर पर किया जाता है। और रेंज वाइज अगर अपन बात करें तो छोटे आइटम मेरे यहाँ 100 रुपये से लेके आपको हर तरह की रेंज में मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे। और मंदिरों का जो इंटीरियर हम लोग करते हैं वो केजी के हिसाब से होता है क्वालिटी वाइज। और पीतल पे हम लोग आजकल लेकर कोटिंग का काम जो करते हैं वो 10 से 15 साल की उसकी पीतल की गारंटी रहती है। इसके अलावा हम लोग मंदिर के चांदी के दरवाजे, सोने में अंदर इंटीरियर जो होता है, तांबे के ऊपर वरक चढ़ाने का काम वो भी हमारे द्वारा किया जाता है। जी, तो अगर भोपाल में किसी को भी अगर पीतल का कुछ भी बनवाना हो या खरीदना हो तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा नेट पर पूरा डला हुआ है इसका, पीतल नगरी सोमवारा भोपाल करके कोई भी हमें सर्च करेगा तो वो हमें आराम से हमारे तक पहुँच सकता है। तो ये दुकान कितने साल पुरानी है? हमारी दुकान को 31 साल हो गए हैं। हमारे दादाजी के टाइम से वैसे ये कार्य किया जा रहा है। करीब 120 सालों से ये काम हमारे यहाँ हो रहा है, इसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं।